गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टूडे लर्निंग और जैसा कि हम लोग डेली दस बजे साइंस का सीरीज देख रहे हैं तो उसी सीरीज में आज जो हमारा लेक्चर है वो है फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी का दो दिन बायोलॉजी होता है अपना दो दिन फिजिक्स और दो दिन केमिस्ट्री तो आज बायोलॉजी का है तो फटाफट जुड़ते जाइए आप लोग तीन लोग जुड़े हुए हैं अभी जितना जल्दी हो सके जुड़िए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ -लो सकें आज जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का वो एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ सवाल है तो आपको मैंने लास्ट एक जो सेशन कराया था बायोलॉजी का पहला वो विटामिन से रिलेटेड था आज भी कुछ मैमल्स और विटामिन से रिलेटेड सवाल इसमें पूछे गए हैं ठीक है क्लियर ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है ठीक है मैं बराबर दिख रहा हूँ ओके okay. चलिए फिर चार लोग आए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन तो धीरे धीरे आप लोग जुड़ते जाइए क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पे ये रहा मैमल कैपेबल इन इन फ्लाइंग इज उड़ने में सक्षम स्तनपाई है स्तनपाई मैमल्स जैसे हम लोग हैं ना हम लोग मैमल्स हैं तीन तरह की प्रजाति होती है मैमल्स होता है एम्फीबियंस होते हैं और एप्टाइल होता है तो आपको ये पता होना चाहिए जागुआर ऑस्ट्रिच पेलिकल और चमगादड़ बहुत आसान सा सवाल है ठीक है बताइए बहुत आसान सवाल है जो लोग देख रहे हैं वो चैट ओपन जो लोग देख रहे हो बताइए गुड मॉर्निंग चलिए तो क्वेश्चन नंबर वन जो है आपका इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ ये क्या होता है चमगादर में जो इनका फोर लिम्स होता है ना फोर लिम्स वो जो होता है वो आपका वेब्ड लिम्स में कन्वर्ट रहता है ठीक है जिससे कारण से ये आसानी से उड़ पाते हैं फोर लिम्स जो है वो वेड विंग्स बोल सकते हैं वेड विंग्स का काम करता है और ये बैट ही एक ऐसा है बैट ही एक ऐसा है जिसमें ये नेचुरली रहता है ठीक है नेचुरली बैट में रहता है तो इसी कारण से ये जो मैमल है बैट ये उड़ सकता है क्लियर बात अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टू बोलता है डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन डॉल्फिन्स को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है फिश एम्फीवियंस रेप्टाइल और मैमल्स बताइए सही जवाब क्या है इसका फिश एम्फेबियंस रेप्टाइल और मैमल्स फिश एम्फेबियस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स देखिए ये जो डॉल्फिन होता है ना ये आपका जितने भी वाटर मतलब जितने भी बोल सकते हैं ये जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स है ना उनमें काफी इसको समझदार माना जाता है डॉल्फिन को तो ये जो डॉल्फिन है ये आपका मैमल्स में आता है किसमें आता है मैमल्स में आता है और ये टूथ ये इसको बोल सकते हैं टूथ वेल इस प्रजाति में आता है ये एक बात हो गई ठीक है टूथ दूसरा क्या हो गया ये जो है इंडिया में जो गंगा आपका ये है क्या बोलते हैं गंगा डॉल्फिन जो है ठीक है गंगा डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन जो है गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल बोला गया है नेशनल एक्वाटिक एनिमल तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है ठीके? गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल बोला गया है क्लियर बात अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए यही सब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और हमें लगता है कि यार हमने कहीं सुना है देखा है बट हो नहीं पता कहे नहीं हो पता कहे कि आप बराबर रेगुलर रिवाइज नहीं करते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री एम्फीविया आर एम्फीवियंस किसको बोलते हैं वेरी फास्टली मूविंग बोट्स तेजी से चलने वाले नौकाएं एनिमल्स लिविंग इन वाटर ओनली केवल जल में रहने वाले जंतु एनिमल्स लिविंग और लैंड ओनली केवल थल पर रहने वाले जंतु एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड जल तथा स्थल दोनों पे समान रूप से रहने वाले, वाले जंतु इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है सबको पता होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीन का जो आंसर है वो है उसको आप उभयचर बोलते हैं ना उभयचर हिंदी में कि भाई एक ऐसा प्राणी ऐसा जानवर जो पानी में भी बराबर रह सकता है और स्थल पे भी बराबर रह सकता है उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार देखिए एग्जाम के साल में दम नहीं रहता बस थोड़ा सा आप लूसेंट जो लोग पढ़ते हैं लूसेंट का बायोलॉजी पढ़िए और नहीं तो क्राउन का बायोलॉजी पढ़िए थोड़ा सा टाइम है आपके पास और ऐसे एस सी रेलवे के अलावा और भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो एट नाइन टेन का साइंस का बुक पढ़ लीजिए आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा पूरा नील गाय सुना होगा नॉर्थ में नील गाय का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखा गया है फलों को फसलों को बर्बाद करने के लिए तो नील गाय बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली काउ गोट शिप एंड डियर किस फैमिली से बिलोंग करता है बताइए कमेंट में इसका आंसर बताइए नीलगा किस फैमिली से बिलोंग करता है ठीक है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये जो है ये एशियन एशियन एंटेलोप स्पीशीज से बिलोंग करता है ठीक है स्पीसीज से बिलोंग करता है ये लार्जेस्ट एशियन एंटेलोप बोल सकते हैं इसको ठीक है तो इसी को नीलगा एक्चुअली होता है किस फैमिली का है ये ये डियर यानी हिरन फैमिली का है बट इसका जो स्पीसीस है वो एशियन एंटेलोप स्पीसी बोलते हैं जो सबसे बड़ा स्पीसीस है क्लियर बात अगला सवाल क्वेश्चन नंबर पांच ये सब याद रखिएगा यही सब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है आपसे क्योंकि हर एक सेट में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है ठीक है क्वेश्चन पांच विटामिन बी नाइन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिक एसिड साइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बायोटीन बताइए विटामिन बी वन विटामिन बी नाइन किसको बोला जाता क्या उसका और नाम क्या है रासायनिक नाम फॉलिक एसिड सिट्रिक एसिड हाइड्रोकोलिक एसिड और बायोटिन। देखिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा जैसे दिख रहे हाँ बी वन विटामिन बी वन बी टू बी सिक्स बी नाइन और बी ट्वेल्व ठीक है विटामिन बी वन को थायमिन बोलते हैं ठीक है आपसे यहां क्या पूछा था विटामिन ठीक है चले पहले इसको देख लेते हैं इसको बोलते हैं राइबो फ्लाविन ठीक है विटामिन बी सिक्स को बोलते हैं पायरीडोक्सीन पारी डॉक्सिन ठीक है विटामिन बी नाइन जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया क्या क्या दिया है फॉलिक एसिड सेट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बायोटिन तो इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड और बी ट्वेल्व जो होता है ये होता है, है साइनोको बाला देखिए इतना सारा विटामिन का नाम है इसके अलावा जो विटामिन एक होता है आपको पता है एडेक ए डी ई के तो इन सारे विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो आपको पता होना चाहिए इन सारे विटामिन का सोर्स आपको पता होना चाहिए और इन सारे विटामिन से होने वाला बीमारी पता होना चाहिए उस बीमारी का क्योर क्या होना पता होना चाहिए कम से कम एक से दो सवाल तो पक्का फंसता है इससे हंड्रेड परसेंट कोई भी एग्जाम हो इंडिया का ए क्या हो गया आपका रेटिनॉल ये हो गया रेटिनॉल बी क्या हो गया आपका सी क्या, e क्या हो गया आपका टोको के क्या हो गया आपका फिलो समझे कि नहीं बात तो ये हो गया अब इन सब से ये साइन इनका रासायनिक नाम हो गया अब इनका उतना बताने का समय नहीं है जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा बस इतना याद रखे विटामिन का नाम इनका सोर्स इनसे होने वाला बीमारी और उसका क्योर क्लियर बात तो क्वेश्चन नंबर पांच का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए है फॉलिक एसिड चलिए अगला सवाल सब याद रखिए इसलिए आपको हर एक चीज बता दे रहा हूं चलिए भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा विच ऑफ दिथेसाइज बाई इंटेस्टनल बैक्टीरिया मतलब पेट के अंदर वाले बैक्टीरिया से किसको सिंथेसाइज किया जाता है यानी संश्लेषण किया जाता है विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन सी विटामिन के विटामिन बी टूल्व विटामिन के बोथ बताइए आज ज्यादा बच्चे जुड़े नहीं है कोई बात नहीं मैं खुद ही बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन के और डी दोनों जो है सॉरी विटामिन बी ट्वेल्व एंड के ठीक है दोनों जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनका सिंथेसिस होता है ठीक है तो ये जो के जो है ना ये के, ये आपका ब्लड क्लोटिंग जो होता है ना ब्लड क्लोटिंग उसमें हेल्प करता मतलब विटामिन के की अगर कमी हो होगी आपको तो आपका हाथ पर मान लीजिए कट गया ना तो खून बहते रहेगा खून रुकेगा रहे नहीं रक्त का रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के के कारण बी ट्वेल्व साइनिको ये सब बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर सब आता है ये सब क्या है आपको बीमारियों से लड़ने का जो क्षमता है ना विटामिन बी वाला जो सीरीज है वो आपको बढ़ा बाहा, बढ़ाता है पूरा विटामिन का काम एक्चुअली वही है बट बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है जिसके अंदर बी वन बी टू बी सिक्स बी नाइन बी ट्वेल्व आता है ये स्पेशली फोकस करता है आप दवाई ख़रीदते होंगे तो उसमें देखिएगा लिखा रहता बी, बी है बोलता बीकोसुल बी कॉम्प्लेक्स बी तो उसका बी कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ही हो गया सारा विटामिन उसमें इंक्लूड है ठीक है चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सात द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज लेमन सनरेज ऑरेंज कैसोनट कैसोनट काजू ठीक है नींबू विटामिन डी का सोर्स क्या है देखिए नींबू जो है सी ये एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है यानी विटामिन सी जिसके कारण स्कर्वी होता है उसका सोर्स है सनरेज ये विटामिन डी का आपका सोर्स है जिसके कारण से आपको रिकेट्स जैसी बीमारियां होती हैं जो बच्चों को देखेंगे पैर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है चलने में मतलब थोड़ा सा गैप हो जाता है पैर के बीच में ऑरेंज अगेन संतरा केशव काजू काजू तो आप नॉर्मल खा सकते हैं इसके अंदर भी बहुत विटामिन होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्य का प्रकाश की कमी से विटामिन डी को विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आठ द विटामिन डी कॉज द डिजीज देखिए अभी सोर्स पूछा ये 2018 का सीजीएल का सवाल है सारा अभी सोर्स पूछ दिया अभी क्या पूछ दिया बीमारी पूछ दिया तो इसी तरह से सवाल पूछा था बार बार विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया बेरीबेरी रिकेट्स पेलेगरा बेरीबेरी बी वन की कमी से होता है एनीमिया ब्लड की कमी से होता है पेलेग्रा आपका ये बीमारी है ये 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 कोई मतलब ये फैलता है ये छुआ है ठीक आप टाइप का बोल सकते हैं रिकेट्स जो बताया ना बच्चों का पैर जो टेढ़ा मतलब गैप हो जाता है थोड़ा सा गैप हो जाता है विटामिन डी के कमी कारण यानी रिकेट्स होता है क्वेश्चन नंबर नौ अगला सवाल विटामिन ए इज कॉल्ड आई रेटिनॉल रेटिनोल राइवोफॉक्सिन देखिए अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर ए क्या है थाइमिन थाइमिन क्या हो जाएगा ये बी वन है ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका रेटिनॉल रेटिनॉल क्या है आपका विटामिन ए है ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइवोफिलिन राइवोफिल क्या है आपका विटामिन बी टू है ऑप्शन नंबर डी वो क्या है आपका पायरिडोक्सिन ये क्या है विटामिन बी सिक्स आपको रट के रखना पड़ेगा भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई ट्रिक नहीं नहीं रटिएगा नहीं पास कीजिएगा सरकारी नौकरी का तकलीफ है दर्द है तो इंजेक्शन और इलाज भी वैसा हो ही होना चाहिए आपका तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका विटामिन ए रेटिनॉल ऑप्शन नंबर क्या बी सही जवाब है अगला क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस आपके स्क्रीन पे रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज इज रॉन्गली मैच कौन सा गलत मैच किया हुआ है कैल्सीफेरोल ऑस्टोकैल्स कैलसीफेल ओस्टोमेलेसिया, नाइसिन पेलेग्रा, कोबालिम परस एनीमिया राइवोफलमिन बेरी बेरी भाई अभी आपको बताया थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो हो जाएगा पहले बताया मैंने कि बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी वन यानी थाइमिन की कमी से होता है देखिए यहाँ पे एक और बीमारी आ गया ओस्टोमलेशिया ओ एस टी ई ऑस्ट्रो मलेशिया एम ए एल एस सी आई -E. देखिए दो बीमारी होता है एक रिकेट्स बताया आपको और एक मलेशिया दोनों जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होता है समझे कि नहीं बात दोनों बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है बट ये बच्चों में होता है ठीक है रिकेट्स और जो ऑस्टो मलेशिया है वो व्यस्क यानी एडल्ट में होता है तो ध्यान रखिएगा आपसे पूछ देगा कि रिकेट्स के अलावा विटामिन डी की कमी से और कौन सा बीमारी होता है तो कौन सा है, है जो कि एडल्ट होता है अगला सवाल तूफान की रफ्तार से चलेंगे हम ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल कवर किया सके अच्छा दस ही सवाल है ठीक है तो आज के लिए यही रोकते हैं अभी कोशिश करूंगा मैं कि थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाया जाए ठीक है कोशिश करूंगा टाइम लगता है बट वी विल डू तो आज के लिए इतना ही अगला फिर हम बायोलॉजी के लेक्चर में कल मिलेंगे सुबह दस बजे तब तक ले पढ़ते रहिए कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बताइए और टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर को सॉल्व कर सके विश ऑल द बेस्ट गुड लक